में नाग पंचमी पर्व पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। शहर के लल्लू खान मेमोरियल अखाड़े में 3 दर्जन से ज्यादा पहलवानों ने कुश्ती लड़कर अपने दांव पेच दिखाए। पिछले 40 सालों से अखाड़ा उस्ताद बुंदेलखंड केसरी असलम खान के नेतृत्व में कुश्ती सीख रहे पट्टू की नाग पंचमी के दिन कुश्ती प्रतियोगिता कराई गयी। सहारनपुर में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 ग्राम अवैध स्मैक बरामद कर नशा तस्करी में प्रयुक्त हुंडई वर्ना गाड़ी 207 MB एक्ट में सीज किया है। कन्नौज में काकोरी एक्शन कांड के शताब्दी वर्ष शुरुआत हो गई है। मंत्री असीम अरुण ने शताब्दी वर्ष की दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की। शताब्दी वर्ष के तहत साल भर काकोरी कांड से जुड़े विषयों पर कार्यक्रम होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखी नकदी सहित लाखों रुपए की ज्वेलरी चोर चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जनपद औरैया में एक बार फिर पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। घायल बदमाशों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बुलंदशहर में आए यूपी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में आयोजित रक्तदान शिविर काफी तकाट का शुभारंभ किया। इस मौके पर रक्तदान करने वाले लोगों से भी वार्ता की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए दूसरों के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान जरूर करना चाहिए। हरदोई के सुरसा ब्लॉक के प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, वर्तमान प्रमुख के प्रतिनिधि भाजपा नेता धनंजय मिश्रा के आवास पर बीती 7 अगस्त को हुए लूटकांड की घटना में लापरवाही बरतने पर धनंजय मिश्रा के आवास पर सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी से कराई थी। उनकी आज्ञा के बाद ये कार्रवाई की गई। मामले की जाँच सीओ बलग्राम कर 7 दिन में एसपी को अपनी आज्ञा उपलब्ध कराएंगे। भारतीय किसान यूनियन की ओर से आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला जा रहा है। मेरठ में भाकियों ने कार्यकर्ताओं की ओर से कमिश्नरी का घेराव कर किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया जाएगा। किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर ककरखेड़ा और गंगानगर की ओर से कमिश्नरी पहुँच रहे हैं। भाकियों कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र में बस की टक्कर से ई रिक्शा सवार 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर हो गई है। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिरोजाबाद जिलाधिकारी को भारतीय किसान यूनियन ने त्योहारों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, जिस कारण जिले भर में छोटे और बड़े दुकानदार बड़े स्तर पर मिठाइयों का उत्पादन करेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर मिलावटी मावा, खोया और अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश एक विचित्र अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। हसीना सरकार के त्यागपत्र और उनके देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। संकट की इस घड़ी में भारत बांग्लादेश के समस्त समाज के साथ एक मित्र के नाते मजबूती से खड़ा है। मेरठ में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के अत्याचार को लेकर विश्व हिंदू परिषद के मंत्री राजकुमार ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से मांग की कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर कुछ न कुछ सरकार एक्शन दे और हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाए। कन्नौज के एसपी ने कांवड़ यात्रा के दौरान मेहंदी घाट से गौरीशंकर मंदिर तक सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। एसपी ने ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता की जांच की और कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात की। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग और गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। हरदोई के मेहंदी घाट से जल लेकर गौरीशंकर मंदिर जाने वाले करीब 1.5 लाख कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। आगरा के बाढ़ क्षेत्र में डगामार बस ने पड़कर साइकिल से लौट रहे छात्र को रौंद दिया। हादसे में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ने तो उपचार के लिए ले जाने से पहले ही मौके पर दम तोड़ दिया। सूचना पर छात्रों के परिजन भी आ गए। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। कासगंज में ककोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी महोत्सव का आयोजन श्री गणेश इंटर कॉलेज में हुआ। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने छायादार वृक्ष लगाए और कहा कि पेड़ ऐसे स्थानों पर लगाएं जहां पानी की पूरी व्यवस्था हो। उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व पर भी जोर दिया और उनकी देखभाल को माँ की तरह महत्वपूर्ण बताया।